अमरावती नगरी में बहुतेरे वृद्धाश्रम है, किंतु आधुनिक सुविधा से परिपूर्ण राजूरा फाटे के मारडी मार्ग स्थित वरिष्ठ नागरिकों का आशियाना ज्ञान शांति उपवन बनकर उभरा है। कोठारी परिवार द्वारा निर्मित यह वृद्धाश्रम वृद्धों की उम्र, सुविधा और विचारों को परिलक्षित कर बनाया गया है। इसे बनाया गया है कहने की बजाय रचा गया है ऐसा कहना ज्यादा उपयुक्त होगा। ज्ञानचंद कोठारी जी ने मुक्त हस्त होते इसकी रचना की है। ज्ञानचंद जी के दो सुपुत्र भी उच्च शिक्षित है तथा एक बेटी और जवाई पुणे में स्थायी हुए हैं, वे भी उच्च शिक्षित है। इस वृद्धाश्रम में करीब सुंदर सभी सुविधाओं से युक्त 13 कमरे हैं, जिसमें 2 और 3 पलंगों की व्यवस्था की गई है। साथ ही सेपरेट टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था है। यह वृद्धाश्रम इंजीनियरिंग डिजाइन पर बना हुआ है और हवादार भी है, जिसके रख रखाव के लिए 10 लोगों का स्टाफ नियुक्त किया गया है। विशाल पाकशाला समीप सुंदर झील इस भवन की शोभा में वृद्धि करती है। निश्चय ही अनेक सुख सुविधाओं से युक्त ज्ञान शांति उपवन अमरावती नगरी का शिरमौर बनेगा। विशेषकर डॉक्टर वीरेंद्र, इन्होंने हमारे संवाददाताओं को सभी कमरों में घूमकर वहां की सुख सुविधाएं की जानकारी दी। समाचार संकलन अशोक भाई जोशी। आप भी बोलिए। ये पूरा एक्चुअली जब बनाया वृद्धाश्रम तब उसमें आर्किटेक्ट का हेल्प लिया गया है, और जैसे ओल्ड एज में जो प्रॉब्लम्स रहते हैं उसका ध्यान रखते हुए रूम्स और बाकी पूरा आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर बनाया गया है। जैसे आप अगर रूम देखोगे तो रूम में हर चीज़ का ऐसा ध्यान रखा गया है कि उनको हाइट की प्रॉब्लम ना हो, उनको बैठने की प्रॉब्लम ना हो, फर्नीचर उसी हिसाब से बनाया गया है। इसको 2 एंट्री रखी गई है इस रूम को, जैसे ये सेंट्रल पार्ट है जो थोड़ा ठंडा रहने के हिसाब से बनाया, धूप में उन्होंने इसीलिए बनाया, और इसी रूम को हम लोगों ने एग्जिट रखा है यहाँ से, बाय चांस अगर कोई गिर जाता है तो उनको ऑल द वे यहाँ से बाहर ना जाते हुए यहाँ से हम लेंगे और तुरंत चारों तरफ एम्बुलेंस जा सकती है, जैसे यहाँ से एम्बुलेंस उनको पिकअप कर सकती है और फिर एम्बुलेंस चली जाएगी डायरेक्ट, तो उनको कुछ किसी भी तरह का तकलीफ ना हो इसका पूरा ध्यान रखा गया है। तेरह रूम्स है जिसमें कुछ रूम्स में 2 की व्यवस्था है, कुछ रूम में 3 की व्यवस्था है, और एक डॉर्मेटरी भी है जहाँ पे थोड़ा कॉमन लिविंग है। हर रूम को सेपरेट टॉयलेट दिया गया है। हाँ, अच्छा, वाह, टॉयलेट में हर तरह की व्यवस्था है। हाँ। और हर तरह से अभी जैसे ओल्ड एज में हर चीज का ध्यान रखा गया है कि आप अगर बैठे हो तो आपको पकड़ने के लिए, हाँ, स्नान कर रहे हो अगर कुछ होता है तो पकड़ने के लिए, बिल्कुल, जैसे ये आर्किटेक्ट लोगों ने अच्छे से ध्यान रखा है इन चीजों, हाँ, बिल्कुल, कि उनको किसी भी तरह की असुविधा ना हो। बराबर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। किसी कुछ फील्ड में है, डायरेक्शन, एक्टिंग, क्या बात है, मैंने ग्रेजुएशन किया है उसको, इसलिए वो थोड़ा सा चाह रही है कि वो भी करे। नमस्कार माता जी। नमस्कार। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सौ शांता ज्ञानचंद कोठारी। माता जी, ये वृद्धाश्रम बना, इसके पीछे
आप है कहीं ना कहीं, है ना, आपको पूरी जानकारी है। तो आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये कल्पना आपको क्यों आई? देखिए, हम लोग जब अमरावती में आए थे 1967 में, तब हम लोग एकदम मतलब बोलेंगे बिलो पावर्टी लाइन थे। 329 रुपीज़ जिनको पर मंथ सैलरी मिलती थी, उसमें हम कैसे तो भी अपना घर चलाते थे। लेकिन ओवर द पीरियड हमने एक घर बनाया, वो घर बनाने के बाद हम लोग बहुत कर्ज में आ गए, तो वो घर हमने फिर बेचना पड़ा हमको। और उस घर को बेचने के बाद उससे जो पैसा मिला उसमें से सारा कर्ज दे दिया। उसके बाद जो बचा उससे इन्होंने प्रॉपर्टी का बिज़नेस शुरू किया और उस बिज़नेस में हम काफ़ी आगे आए और आज एकदम अच्छी परिस्थिति में हैं हम। इसलिए हमने सोचा कि जिस भूमि से हमने पैसे मिलाए हैं, पैसे कमाए हैं, हमारी कोई नीड नहीं है, हम दोनों की भी कोई नीड नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए उस पैसे का बच्चे भी भगवान की दया से सभी अच्छी जगह पर हैं, सक्षम हैं, तो उनको भी हमारे पैसे की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमने उस पैसे का उपयोग इस फील्ड में करना चाहा। कितने बाल बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। अच्छा, एक दो बेटा एक बेटी। अच्छा, आपके बेटी? हाँ, मेरी बेटी प्रीति। और दोनों बहनें? ये दोनों बहनें। हाँ। स्वामी की इस जगती का उद्धार किया, जो आया शरण वो पार किया, जिस पीर सुनी हर प्राणी की जय बोलो महावीर स्वामी। और कुछ पूछने का रह जाता है ज्यादा डिटेल? और कुछ पूछने का रह जाता है? जय बोलो महावीर स्वामी की, लाख बार प्रणाम है वीर प्रभु भगवान तुम्हें मुनि दर्शन मुक्ति कामी की, जय बोलो। इसके बारे में कि क्या क्या आप प्रोवाइड करेंगे फैसिलिटी और क्या सुविधा है और झुकाता हूँ किस किस एज को एंट्री दे रहे हैं, क्योंकि वो सब इन्फॉर्मेशन अगर मैं चाहता हूँ। मुझे वीर नाम हमने बनाया एक, मतलब है इसका ही मुझे अबाव 60। आजकल की जो पारिवारिक संरचना है उसमें वृद्ध लोगों के लिए थोड़ा सा कम स्थान है। जब याद तेरे गुण, तो हम ये महसूस करते हैं कि जिनको थोड़ी जरूरत है, जिनको थोड़ा अच्छा जीवन जीने की आवश्यकता है, उनके लिए अपन कुछ करें। इसलिए इस फैसिलिटी में सभी उनकी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए सभी वो किया गया है। मैं एक छोटा एंटीस्किट टाइल्स है, जो हैंड रेस्ट है बाथरूम में, बाथरूम की जगह लैट्रिन की जगह, ताकि उनको उठने में दिक्कत न हो। जो बाथरूम एक्सेसरीज भी लाई गई है वो सब उन्हीं के हिसाब से, कि भाई उनको नहा के उठने में दिक्कत ना हो, पकड़ के उठना है तो हैंड रेस्ट है, और उनकी सुविधा के हिसाब से मैट्रेस टाइल्स खाने की व्यवस्था भी पूरी। मेरी इच्छा है कि मैं खुद देखभाल करके अच्छी तरह से उनको मतलब स्वास्थ्यवर्धक खाना दूँ। आप यहाँ रहेंगे? मेरी इच्छा तो काफ़ी है, लेकिन पूरे समय नहीं रह सकती, लेकिन प्रयास करूँगी कि 2 महीने में, 1-2 महीने के बाद 1 महीना यहाँ रहूँ।